अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज प्रोग्राम है सुबह उठने के बाद ये कि आज आपको बतीना पार्क लेके चलते हैं। काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग था। आपको मालूम है कि 2-3 दिन से तबीयत ज़रा डाउन थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर और आज आपको लेके चलते हैं इंशाल्लाह ताला हम बतीना पार्क। पार्क में भी आप देख रहे हैं कि कोई रश वगैरह नहीं है, कोई लोग यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। इक्का दुक्का आपको नज़र आ रहा होगा बंदा, उसकी वजह यही है कि अभी धूप है यहाँ पे, काफ़ी शिद्दत में बहुत कमी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बंदा इजीली कोई वॉक वगैरह कर सके। हमारा ये छोटा सा पार्क बनाया हुआ है यहाँ पर, उन्होंने रोड साइड पर, यहाँ पर शाम के टाइम अच्छी खासी गैदरिंग होती है, लेकिन इस टाइम धूप की वजह से अभी यहाँ पर कोई नहीं नज़र आ रहा आपको। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, आई डोंट नो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि नहीं, तो आपको बुर्ज खलीफा और एमिरेट्स ट्विन टावर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे रनिंग का ट्रैक भी बनाया हुआ है उन्होंने, डिफरेंट आपको एक्सरसाइज मशीन्स भी दी हुई हैं, यहाँ पे आप एक अच्छी खासी डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। फैमिली के लिए ये बहुत बेहतरीन पार्क है।
पार्क में आते आते अभी जैसा कि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही थी, लेकिन अभी इतने टाइम में ही धूप की शिद्दत भी कम हो गई है और हवा भी अभी बड़ी मुनासिब से लग रही है, उसमें कोई ऐसी शिद्दत नहीं है। मतलब ठंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इसमें आप इजीली वॉक कर सकते हैं। ये इसके सारी साइड पे आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट अपार्टमेंट्स बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे आपको 1 बेडरूम 2 बेडरूम आपको अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे। और बड़ा खूबसूरत है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, लेकिन अगर इसका मुकाबला आप पाकिस्तान में लॉरेंस गार्डन या रेस कोर्स के साथ करें तो वो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा होगी, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे आके भी वो यही सोचते हैं कि यहाँ की तमाम बिल्डिंग सड़कें और खूबसूरती वो सारी एक साइड पर, लेकिन जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान की गलियाँ कूचे बाज़ार हैं, वो यहाँ पर उनको वो चीज़ नज़र नहीं आती, इन्हें देख के वो सुकून नहीं मिलता जो उन्हें देख के मिलता है। मुझे घर जाना है। ये यहाँ पे इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है कि आप वॉक और जॉगिंग करते हुए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। तो इस पार्क को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप भी ज़रूर चाहेंगे यहाँ पे आना। नहीं अभी के लिए इतना ही था, अभी हम पार्क से वापस घर की तरफ लौट रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से ये आज के दिन के लिए ये काफ़ी है, तो अभी बैक टू पवेलियन। तो ये होता है जनाब, जब आप एक दफ़ा यहाँ पे सेटल होते हैं तो उसके बाद आपकी फैमिली भी यहाँ होती है, तो आपको ये फील नहीं होता आप दुबई में हैं या अपने होम टाउन में। ये था आज का वीलॉग, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल किसी और आउटिंग के साथ किसी और जगह पे आपको लेके चलूँगा इंशाल्लाह ताला, कल के वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।